सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु, और आज फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की टॉप मॉडल, जो गोल्ड वाला एडिशन आता है, गोल्ड ब्लैक कलर, इसके बारे में हम बात करेंगे। डिटेल वाइज जानेंगे इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके बाद मैं कंपैरिजन भी बनाने वाला हूं कि आपको अलग अलग वेरिएंट्स जो रहने वाले हैं उनकी वीडियो मिलेगी, प्लस कंपैरिजन भी डिटेल आपको मिलने वाला है कि बाकी जो वेरिएंट्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस वाले टॉप वाले वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या कलर के ऑप्शन वगैरह है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को जल्दी से, टाइम वेस्ट करें बिना। तो गाइज, ये है आप सभी के सामने टॉप वेरिएंट ऑफ रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350cc, और ये देख सकते हैं इसकी लेगेसी कितनी प्यारी लग रही है भाई, क्या ही इसका डिज़ाइन बनाया है, क्या बढ़िया मतलब लुक बना दी है। और स्पेशली ये वाला जो वेरिएंट है, ये आपको गोल्ड बुलेट कह सकते हो इसको, और गोल्ड ब्लैक कलर नाम है इसका, ठीक है। सो इसमें क्या है, मैटी प्लस शाइनिंग का कॉम्बिनेशन के साथ ये टैंक प्रॉपर बनाया गया है। बाकी भी पार्ट्स भी काफ़ी सारे इसके जो साइड्स पार्ट्स हैं, यहाँ पर भी शाइनिंग प्लस मैट का कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। बाकी आपको बता दूं, इसमें अब जो अपडेट्स वगैरह हैं वो काफ़ी सारे अपडेट्स आपको देने को मिल जाते हैं, और अभी जो यहाँ पे ये बाइक जो खड़ी है ये वाली, इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं। मॉडिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसमें आपको एक टूरिंग टाइप की सीट बना के दे दी है, ठीक है। तो ये अलग से एक एक्सेसरीज का पार्ट है जो कि जेन्युइन रॉयल एनफील्ड की तरफ से आपको देने को मिलने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो पीछे बैकरेस्ट दिया हुआ है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये एक्सेसरीज का काफ़ी बढ़िया पार्ट है जो कि आपको लॉन्ग ड्राइव में काफ़ी बढ़िया काम आने वाला है, और लंबी सीट तो वैसे ही पसंद करते हैं लोग। बाकी जो इसका नॉर्मल वाला जो सीट है वो इसमें आपको दिखाता हूँ एक बारी में, तो ये वाली जो है एक्चुअल सीट आपको देखने को मिलेगी जो ऐसी आने वाली है। सो ये इसका है, और ये बैक लुक भी इसमें देख सकते हैं आप। सो ये टेल लैंप भी, नया टेल लैंप आपको देखने को मिल जाता है। इसके जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं ये भी आपको नॉर्मल हैलोजन में देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे वो भी मॉडिफिकेशन कर रखी है, तो यहाँ पे LED में देखने को मिल रही हैं ये सारी लाइटें, ठीक है। प्लस उसके अलावा यहाँ पे लेग गार्ड वगैरह अलग से लगाया गया है, प्लस इंजन प्रोटेक्शन गार्ड जो होता है ये भी इसमें एक्स्ट्रा लगाया गया है, अदरवाइज नॉर्मल देखने को मिलेगा आपको। बाकी इस गाड़ी में और भी काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन है, जैसे फुटस्टेप्स वगैरह हैं ये भी चेंज किए गए हैं, तो ये भी आपको एक अपडेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके अलावा मिरर्स आपको यहाँ पे अपडेटेड देखने को मिलने वाले हैं। बाकी सब कुछ इसमें जो आता है वो जेन्युइन आपको देखने को मिलने वाला है। सो चलो बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट की, तो फ्रंट आप देख सकते हैं इसमें आपको हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलने वाली है। गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। सो भाई, अब पूरा फील जो है नया वाला देखने को मिलने वाला, जैसे हमको क्लासिक वगैरह में देखने को मिलता था। और जिसका स्पीडोमीटर है ये भी अब आपको नया देखने को मिलने वाला, एज़ लाइक क्लासिक जैसे आपको देखने को मिलता था उसी तरीके से अब आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, बैटरी का, ABS का, और इसमें आपको फ्यूल वगैरह सब कुछ देखने को मिलने वाला है, ट्रिप मीटर्स वगैरह वो देखने को मिल जाएंगी। और ये है इसकी की जो कि वेव्ड की है, और सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहने वाला ये। सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, अब स्टैंडर्ड में भी देखो मिलने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसके फीचर्स वगैरह हैं वो सारे कुछ एज इट इज़ जैसे क्लासिक में आते हैं उसी तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। ये लो बीम हाई बीम ये पास का यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा, ये इसके इंडिकेटर्स, और ये इसका सिंगल हॉर्न, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से गाड़ी स्टार्ट होएगी, यहाँ से ऑफ, ठीक है, यहीं से हो जाएगा सेल्फ स्टार्ट वगैरह यहीं से। उसके अलावा ये रहा इसका हैजार्ड लाइट वाला जो फीचर है, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे इसके चारों के चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। सो अभी तो इसमें LED लगाए गए हैं, ये सब कुछ आपको हैलोजन देखने को मिलने वाले हैं जैसा कि इसमें दिखेगा। सो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ बड़ी। सो ये है इसकी एक्चुअल जो लाइट आने वाली है हैलोजन में, वो ऐसी देखने को मिलेंगी। तो इसको बंद कर देते हैं, अब चलते हैं इस वाले टॉप वेरिएंट में, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप वेरिएंट खड़ा है ये पूरा मॉडिफाइड खड़ा है। सो इसको मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, इसकी हेडलाइट भी आपको दिखाता हूँ। सो ये है इसकी हेडलाइट, ये अभी भी आपको सेम हैलोजन हेडलाइट देखने को मिलने वाली है। सो मॉडिफिकेशन जो है हेडलाइट की वो नहीं की गई है, मतलब कि LED वगैरह नहीं देखने को मिल रही है। सो ये चीज़ आपको सेम एज इट देखने को मिलने वाली है, प्लस ये चीज़ भी आपको एज इट इज़ देखने को मिलने वाली है जो स्टैंडर्ड में देखने को मिलती थी लाइट्स। उसके अलावा इसका जो हेड है ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा चेंज किया गया है, और जो टॉप वेरिएंट है इसमें आपको एक कैप देखने को मिलेगी। वैसे ही एक्सेसरीज का पार्ट होता है, अलग से लोग ले लेते हैं इसको, लगा लेते हैं, बट इसमें आपको इनबिल्ट देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे जो इसका मडगार्ड दिया हुआ है ये भी प्रॉपर मेटल में, और काफ़ी ब्रॉड देखने को मिल जाता है, जैसे क्लासिक वगैरह देखने को मिलता है उसी तरीके की इसमें भी देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें आपको जो टायर का साइज़ देखने को मिलने वाला है 100/90 का, 19 इंच का देखने को मिलने वाला है,
तो काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी बड़ा और स्पोक्स काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जो इसका रिम है ये भी आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलने वाला है। देखिए तो इसका जो रिम है प्रॉपर ये भी आपको प्रॉपर मैटी ब्लैक में देखने को मिलने वाला है। साथ के साथ अगर हम बात करें इसके डिस्क की तो ये भी काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलने वाला है भाई। 300 mm की इस डिस्क का साइज देखने को मिलने वाला है। वाइब्रे के कैलिपर्स देखने को मिलने वाले हैं। उसके अलावा इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस देखने को मिलने वाले हैं और इसमें आपको टेलीस्कोपिक शॉकर्स देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉपर कवर्ड है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके साइड प्रोफाइल में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका पोर्शन जो दिया हुआ है, पूरा जो साइलेंसर का पोर्शन है ये प्रॉपर मैट में दिया हुआ है। तो ये टॉप मॉडल जो आपको देखने को मिलने वाली है इसमें प्रॉपर मैट में आपको इसका साइलेंसर देखने को मिलेगा, प्लस मैट में इसमें आपको इंजन देखने को मिलने वाला है। इंजन की डिटेल वाइज जब हम बात करेंगे उससे पहले हम आपको गाड़ी दिखा दें प्रॉपर। तो इसका लोगो देख लीजिए आप उससे पहले। तो ये जो रॉयल इनफील्ड का लोगो बना हुआ ना ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है और जो ये मद्रास लाइन्स इसमें देखने को मिल रहे हैं ये भी काफ़ी बारीकी से काम किया जाता है, आप सभी को पता ही है। तो स्टैंडर्ड की खास बात तो यही है। और रियर वाला जो डिस्क इसमें आपको देखने को मिलने वाला है ये 270 mm का देखने को मिलने वाला है। तो ये भी आप देखते हैं रियर में, प्लस वाइब्रे के कैलिपर देखने को मिलेंगे, प्लस इसके जो सस्पेंशन हैं ये भी आपको बेटर देखने को मिलने वाले हैं, एडजस्टेबल देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया क्रोम के लुक में है ये बेसिकली। और जो पीछे वाला का टायर साइज आपको देखने को मिलने वाला है ये भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ब्रॉड देखने को मिलने वाला है, 120x80 का देखने को मिलेगा तो, और 18 inch का देखने को मिलने वाला है। तो स्पोक्स में देखने को मिलेगा, प्लस अभी जो इसके रिम्स वगैरह हैं वो अलॉयज वगैरह तो वो अभी मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है अभी कंफर्म नहीं है, बट लेटेस्ट जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे मार्केट में, क्योंकि जितने भी रॉयल इनफील्ड की बुलेट्स वगैरह हैं सभी में आपको मॉडिफिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। सो एक और फीचर जो इसमें आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगा वो है इसका USD पोर्ट जो कि काफ़ी बेहतरीन काम करने वाला है। ठीक है, टॉप वेरिएंट में भी देखने को मिलेगा, बेसिक में भी, सभी में आपको देखने को मिलने वाला है। इसका USD जो पोर्ट है वो काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा, चार्जिंग वगैरह कर सकते हो भाई आप बुलेट में भी। तो फ्रंट वाला साइज़ मैंने आपको दिखा दिया है ये जो कि देखने को मिलेगा 100x90 का टायर साइज़। और वहीं पर रियर की अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलने वाला है आपको 120x80 का और काफ़ी अच्छा, काफ़ी ब्रॉड टायर बना दिया है इसको। ठीक है, प्लस ओपन चैन सेट कवर देखने को मिलने वाला है आपको, साइड में साड़ी गार्ड देखने को मिलेगा, फुट स्टैप देखने को मिलने वाला है। और जो इसकी टेल लैंप है मैंने आपको दिखाई दी ऑलरेडी। ठीक है, सो ऑल ओवर अगर हम देखें तो काफ़ी बेहतरीन लुक्स के साथ आपको देखने को मिलने वाली है ये बाइक। और उसके अलावा अगर हम बात करें इसके सीट की हाइट की, बेसिकली ये वाला जो टूरिंग वाला लगाने के बाद हो सकता है इसकी साइड हाइट थोड़ी सी कम हो जाए, बट इसकी जो एक्चुअल सीट हाइट आपको देखने को मिलने वाली है वो 805 mm की सीट हाइट देखने को मिलेगी। और ऑल ओवर इसका जो अगर हम कर्व वेट की बात करें तो 195 kg का इसमें आपको कर्व वेट देखने को मिलने वाला है जो कि काफ़ी बेहतरीन रहेगा। और बात करें अगर इसके टैंक के साइज़ की तो भाई इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है आपको, काफ़ी बड़ा। और इसका जो माइलेज रहता है लगभग आप मान के चलो 35 से 40 की अप्रॉक्सीमेटली आपको इसमें माइलेज देखने को मिल जाती है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। और ऑल ओवर अगर इसकी हम व्हील बेस की बात करें तो 1390 mm की इसमें आपको व्हील बेस देखने को मिलने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लगभग 170 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। और जो ऑल ओवर इसकी लेंथ है वो 2110 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है। और फाइनली हम बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसमें जो आपको इंजन देखने को मिलने वाला है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड देखने को मिलने वाला है। तो टेक्नोलॉजी जे सीरीज वाली जो आपको देखने को मिलेगी वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। सेम जो क्लासिक वाला इंजन है वही आपको इंजन देखने को मिलने वाला है इसमें भी आपको। और इसकी पावर की अगर हम बात करें तो 20.2 PHP देखने को मिलेगा एट द रेट ऑफ 6100 RPM पे। वहीं पर जो इसका टॉर्क है वो 27 Nm का टॉर्क देखने को मिलेगा एट द रेट ऑफ 4000 RPM पे, जो एक अच्छा टॉर्क देखने को मिलेगा, अच्छा पावर पिकअप देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, अब आपको इस बाइक में किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग किक स्टार्ट पसंद करते थे स्टैंडर्ड में, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो एक माइनस पॉइंट जो है वो किक स्टार्ट का, क्योंकि बहुत सारे लोग किक स्टार्ट पसंद करते हैं स्टैंडर्ड में, बट अब आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड में किक स्टार्ट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी आपको ये E20 वाला लेटेस्ट फीचर्स के साथ देखने को मिलने वाला है, एथलॉन का जो रहता है सिस्टम वो आपको देखने को मिलेगा इसमें, तो फीचर्स की कहीं पर भी आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी, ऑल ओवर सारा कुछ देखने को मिलने वाला है इसमें आपको। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बाइक जो बनती है काफ़ी बेहतरीन हो जाती है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और इसका जो एक्शोरूम प्राइस है पैन ओवर इंडिया लगभग 215,000 रुपये एक्शोरूम इसका देखने को मिलने वाला है। दिल्ली नंबर अगर ऑन रोड की बात करें तो लगभग 244,000 से 245,000 के अंदर आपको पड़ने वाला है इसका जो ऑन रोड कॉस्ट है। बाकी जो इसकी डिटेल्स वगैरह हैं अगर आप चाहते हैं इसको बुक कराना तो ये आपको
लांबा इंटरप्राइजेस में तिलक नगर में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ जो डिटेल्स है इनकी वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर प्लान कर रहे हैं तो कॉल कर लीजिएगा उनको। और बुकिंग अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ होता है इन बाइक्स का। जितने भी बुलेट आप कोई भी परचेस करने जाएँ तो 5000 बुकिंग में आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी जो एक्सेसरीज वगैरह है ये सारे काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो वो सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो अलग से कॉस्ट होगी, अलग से उसका प्राइसिंग वगैरह होगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं आप मॉडिफिकेशन में, तो वो भी आपको यहीं से पता चल जाएगा। सो गाइज, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। और अभी मैं इसमें आपको कंपैरिजन भी बताऊंगा, कुछ आने वाली वीडियोस में कंपैरिजन में दिखाऊंगा कि इस वाले में क्या डिफरेंस है, इससे नीचे वाले में क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिटेल वाइज हम बात करेंगे। तो मेरी वीडियोस पे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, वैसे बेसिकली तो आपको अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे और भी जो चीज़ें हैं, क्या पता कुछ चीज़ें आपको अगली वीडियो में पता चल जाएँ। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गाइज़।